चलिए बड़ी खबर है शिमला से। आज सचिवालय जाएंगे सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू, नए सीएम के साथ मौजूद रहेंगे नए डिप्टी सीएम और सचिवालय के मेन गेट पर स्वागत के लिए कर्मचारी तैयार थे। आज अधिकारियों की बैठक भी ले सकते हैं नए सीएम। चलिए खबरें अभी तक के शिमला ब्यूरो प्रदीप ठाकुर हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, उनका रुख करते हैं। जी प्रदीप, कब तक सीएम और डिप्टी सीएम पहुंच जाएंगे सचिवालय? बिल्कुल आरती, देखिए जो जानकारी मिली है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री अपने आवास से निकल चुके हैं और कुछ ही देर में यहां पहुंचने वाले हैं। हालांकि अभी मुख्यमंत्री जो है उनके वहां पिटर ऑफ में रुके हुए हैं तो वहां से अभी निकले नहीं हैं, लेकिन डिप्टी सीएम पहुंचने वाले हैं। और आप ये देख सकते हैं कि तैयारियाँ जो है यहाँ मुकम्मल हो चुकी हैं स्वागत के लिए। और यहाँ पर चाहे सचिवालय कर्मचारी एसोसिएशन की बात करें या फिर बाकी लोगों की बात करें, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं, तो कुछ देर में ही पहुँचने वाले हैं जो जानकारी हमें है, क्योंकि विधानसभा में उनका आवास है और वहां से लेकर यहां तक का जो समय है वो जो है ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट का वो समय है। हालांकि जो है उसे पहले भी पहुंच सकते हैं, लेकिन ये जानकारी हमारे पास अभी है कि वो अपने आवास से निकल चुके हैं। तो अब इंतजार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि मुख्य गेट पर जो है जो सचिवालय का मुख्य गेट है वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर जो है देने के लिए पुलिस बल जो है यहां पर मौजूद है। और उसके साथ साथ अगर सचिवालय के भीतर आप तस्वीरें देखें तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी जो है भीड़ लगी हुई है। हालांकि उन्होंने पहले अपने कार्यालय में सीधे ऊपर जाना है और उसके बाद लोगों से भी मिलेंगे। हालांकि अधिकारी जो है वो पहुंच चुके हैं, डीजीपी आप देख सकते हैं संजय कुंडू अभी निकल रहे हैं बाहर, और बाकी जो तैयारियां हैं वो करीब करीब पूरी हो चुकी हैं। और जमघट जो है सचिवालय के बाहर वो लगा हुआ है, चाहे सचिवालय के कर्मचारियों की बात करें या फिर अधिकारी हैं वो यहाँ पर है, जो सामान्य प्रशासन विभाग है वो उनके जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर स्वागत सबसे पहले करते हैं जब भी इस तरह से आते हैं मंत्री आते हैं मुख्यमंत्री आते हैं। हालांकि इस बार केवल मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम ही आ रहे हैं, तो आप भीड़ भी यहाँ देख सकते हैं कि लोग जो है जो सचिवालय के कर्मचारी हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे हुए हैं। और थोड़ी हलचल सी बढ़ गई है, हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, भारी भीड़ भी हम देख पा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, इस बीच हम दर्शकों को एक बड़ी खबर से भी रूबरू करवाने वाले हैं। सचिवालय के लिए निकले डिप्टी सीएम, थोड़ी देर में सचिवालय पहुंचेंगे मुकेश अग्निहोत्री। सचिवालय के मेन गेट पर स्वागत होगा सीएम और डिप्टी सीएम का। और इस वक्त सचिवालय में हलचल देखने को मिल रही है, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारियां कर ली गई हैं, बड़ी संख्या में यहां पर लोग भी पहुंचे हैं। जी प्रदीप, आप जानकारी दीजिए और तस्वीरें भी दिखाइए। बिल्कुल, देखिए सचिवालय के मुख्य गेट पर ही हम और हलचल बढ़ चुकी है, मुख्य सचिव मुख्य गेट पर आ चुके हैं, तो ऐसे में अब जो है उनका स्वागत किया जाएगा। जब यहाँ पर डिप्टी सीएम सबसे पहले पहुँचेंगे तो और बाकी अधिकारी भी जो है पुष्प लेकर बाहर निकले हैं। पहले गार्ड ऑफ ऑनर होगा और उसके बाद जो है नए डिप्टी सीएम जो है अंदर जाएंगे। हालांकि अब बस कुछ पल की बात है, कुछ पल में ही ये तमाम चीजें होने वाली हैं। और अभी मुख्य गेट पर ही हम यहाँ से इधर से दिखा देंगे, गार्ड ऑफ अंदर दिखा देंगे, साथ ही आएंगे। पर स्वागत करेंगे कर्मचारी, गार्ड ऑफ ऑनर की भी तैयारी कर ली गई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं खबरें अभी तक पर। अधिकारियों की बैठक भी आज सीएम ले सकते हैं। सीएम और डिप्टी सीएम बस पहुंचने वाले हैं, 10:30 का इस समय दिया गया था, अब देखिए 10:12 हो चुके हैं और माना यह जा रहा है कि किसी भी समय यहां पर सीएम और डिप्टी सीएम पहुंच सकते हैं। आपको बता दें कि गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर पहले रिहर्सल भी की जा चुकी है, तो वही कर्मचारियों की तरफ से स्वागत किया जाना है।
जानकारी दीजिए। प्रदीप आप जानकारी देते रहिए। कुछ ही देर में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री यहां पहुंचने वाले हैं और अभी और उनके स्वागत के लिए जो है कर्मचारी एसोसिएशन वो भी बाहर पहुंच चुकी है। उनके साथ साथ मुख्य सचिव आरडी धीमान है, डीजीपी संजय कुंडू है, वो यहां पर पहुंच चुके हैं और मुख्यमंत्री वो 10:30 बजे पिटर हाउस से चलेंगे। जो जानकारी हमारे पास है वो ठीक 10:30 बजे चलेंगे और वो भी करीब 10 मिनट में यहाँ पहुँच जाएंगे। तो बस अब हम कह सकते हैं कि जो है कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचने वाले हैं क्योंकि रोड जो है वो क्लियर कर दिया गया है और वाहन जो है दोनों तरफ से अब रोकने की जो है वो तैयारियाँ अभी कर ली गई हैं। तो सामने से जो सचिवालय के लिए रास्ता आता है उस पर अभी जो है वाहनों की आवाजाही जो है और ताज़ा अपडेट ये है आरती, बड़ी ब्रेकिंग ये है कि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का काफिला पहुंच चुका है और आप देख सकते हैं ठीक सामने से ये काफिला है और ये सचिवालय के मुख्य गेट पर पहुंचने वाला है डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का। और अब जो है यहाँ पर मुख्य गेट पर यहाँ बिल्कुल हम दर्शकों को दिखा रखे हैं तस्वीरें, डिप्टी सीएम का काफिला पहुंच चुका है, सीधी तस्वीरें शिमला से हम आपको दिखा रखे हैं, सचिवालय पहुंच चुके हैं डिप्टी सीएम, काफिला पहुंच चुका है डिप्टी सीएम का, तस्वीरें आप देख रखे हैं खबर अभी तक पर एक्सक्लूसिव, ये तस्वीरें डिप्टी सीएम पहुंच चुके हैं सचिवालय, जानकारी दीजिए प्रदीप। अपडेट ये है कि सचिवालय के मुख्य गेट पर अभी इनका काफिला नहीं रुका है, थोड़ा आगे के लिए मूव हो गया है। हालांकि इनके स्वागत के लिए सभी यहाँ मुख्य गेट पर पहुंचे थे लेकिन ये काफिला यहाँ आगे के लिए रवाना हो गया है। अभी इसमें इस बारे में भी अपडेट जुटानी होगी कि क्या आगे काफिला कहाँ के लिए ये जा रहा है, लेकिन जानकारी ये है कि अभी काफिला जो है वो थोड़ा आगे जो है वो चला गया है। अभी यहाँ पर जहाँ पर मुख्य गेट है वहाँ पर नहीं रुके हैं डिप्टी सीएम, क्योंकि इनके स्वागत के लिए और इनको गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए सभी लोग यहाँ पर जो है वो तैयार थे, लेकिन काफिला जो है थोड़ा आगे के लिए मूव हो गया है। जी हो सकता है कि अभी सीएम का इंतजार कर रहे हैं और प्रदीप हो सकता है कि अभी सीएम का इंतजार को बिल्कुल बिल्कुल देखिए यही हो सकता है क्योंकि बिल्कुल देखिए कुछ देर के लिए मुख्य गेट पर ये काफिला रुका लेकिन अब फिर से आगे के लिए ये मूव हो गया है। तो सचिवालय में हलचल बढ़ रही है और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री पहुंचे, उनका काफिला पहुंचा लेकिन सचिवालय के आगे रुका नहीं, थोड़ा आगे वो काफिला बढ़ गया के हो, ये भी सकता है कि डिप्टी सीएम सीएम का इंतजार कर रखे को और क्योंकि सीएम ने भी पहुंचना है और समय तो यही दिया गया था कि 10:15 और 10:30 के बीच में यहां पहुंच सकते हैं। इधर सचिवालय में लगातार हलचल देखने को मिल रही है, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी पूरी तरह से है, इधर कर्मचारी संघ भी मुलाकात सीएम से आते ही करना चाहता है, स्वागत उनका करना चाहता है, स्वागत की तैयारी है। सीएम और डिप्टी सीएम की सचिवालय पहुंचने वाले है किसी भी समय, हालांकि डिप्टी सीएम का काफिला पहुंचा लेकिन सचिवालय के आगे रुका नहीं, काफिला आगे की तरफ बढ़ गया, हो सकता है कि सीएम और डिप्टी सीएम एक साथ ही सचिवालय पहुंचे। इधर सीएम के काफिले का फिलहाल इंतजार हो रहा है और स्वागत की तैयारियां फिलहाल नजर आ रही हैं। जी प्रदीप देखिए यही हो सकता है कि या तो मुख्यमंत्री का इंतजार किया जा रहा है या फिर इसी रास्ते से जाखू मंदिर आता है, तो ऐसा भी हो सकता है कि वहाँ मंदिर में जो है माथा टेकने के लिए पहले गए हो, हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पहले गए हो, ये भी एक हो सकता है कारण। लेकिन अभी क्योंकि जब हमें यह अपडेट किया गया था कि डिप्टी सीएम अपने जो आवास से वो मूव कर चुके हैं और लेकिन यहाँ पर अभी वो जो है नहीं, इसमें हम कह सकते हैं कि अभी यहाँ पहुँचे नहीं और जो मुख्य गेट है वहाँ पर कुछ देर के लिए रुके काफिला उनका, बेशक रुका, दोनों तरफ से वाहनों को भी रोक दिया गया था जो सचिवालय का मुख्य मार्ग है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो काफिला कुछ देर के लिए रुका फिर आगे बढ़ा और फिर थोड़ा आगे के लिए चले गए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि या तो आगे गए हैं या फिर राजभवन में भी जो है राज्यपाल से भी मुलाकात करने जा सकते हैं क्योंकि अभी तक उनका जो शेड्यूल था उसमें उनकी मुलाकातों का ये नहीं था, उनका उन्होंने सीधा सचिवालय आना था। तो अब मुख्यमंत्री के आने का इंतजार किया जा रहा है, जानकारी ये कि 10:30 पर जो है लगभग उनका जो काफिला है वो
पीटर हॉफ से मूव करेगा सचिवालय के लिए। तो हलचल बढ़ चुकी है, आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं, लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हुए हैं और अब इंतजार किया जा रहा है स्वागत के लिए। तमाम जो अधिकारी हैं सचिवालय के वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, अतिरिक्त मुख्य सचिव भरत खेड़ा भी सामने, उन्हें भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में, और बाकी भी अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं और गार्ड ऑफ ऑनर के लिए गार्ड पूरी तरह से तैयार हैं, उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाना है डिप्टी सीएम को भी और सीएम को भी। तो अब इंतज़ार किया जा रहा है और कह सकते हैं कि ये एक हिमाचल प्रदेश के हिसाब से देखें तो उप मुख्यमंत्री का पद पहली बार यहाँ पर सृजित हुआ है, पहली बार डिप्टी सीएम यहाँ बने हैं। हालांकि आज तक कई हिमाचल में कई बार डिप्टी मिनिस्टर के पद हुआ करते थे, लेकिन डिप्टी सीएम जो हैं वो पहली बार यहाँ पर बनाए गए हैं। तो एक नया एक नई चीज़ हिमाचल के लिहाज से है ये, और इसके साथ साथ उम्मीदें जो है इस सरकार से, लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं, सचिवालय के कर्मचारियों को भी, हम बात भी कर रहे थे कुछ देर पहले सचिवालय के कर्मचारियों से, काफ़ी उम्मीदें हैं उनको और उनकी तरफ से ये भी कहा गया, क्योंकि जब भी नए मुख्यमंत्री आते हैं तो सचिवालय के कर्मचारी यहीं जो आर्म्स जेल बिल्डिंग है उसके प्रांगण में, वहाँ पर एक बड़ा सा पेड़ है उसके नीचे स्वागत किया जाता है। मुख्यमंत्री सबसे पहले सचिवालय के कर्मचारियों से मिलते हैं, उनसे सहयोग मांगते हैं कि हमें जो विकास के काम करने हैं, आगे जो सरकार चलानी है उसमें आप लोग हमारा सहयोग करें, तो क्योंकि सचिवालय से ही पूरा प्रदेश चलता है, तो वो सहयोग मांगते हैं मुख्यमंत्री और उनके समक्ष डिमांड चार्टर कर्मचारी देते हैं। तो इस बार देखना ये होगा क्या डिमांड चार्टर जो है वो दिया जाता है। तो ऐसे में अब इंतज़ार किया जा रहा है, कुछ देर में यहाँ पर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम पहुँचने वाले हैं। जी तो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं ये माना जा रहा है, अब इंतजार की घड़ियां के और हलचल सचिवालय में बढ़ गई है। एक तरफ गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी है, गार्ड ऑफ ऑनर के लिए बाकायदा रिहर्सल पहले कर ली जा चुकी है, दूसरी तरफ कर्मचारी भी इंतजार कर रखे हैं, कर्मचारी संघ सीएम और डिप्टी सीएम का यहाँ स्वागत करने वाला है। तो तस्वीरें हम आपको सीधी दिखा रखे हैं, एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें हैं और कुछ ही देर में सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचेंगे, इनका स्वागत होगा सचिवालय में, सचिवालय को सजा दिया गया है और पूरी तरह से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। गार्ड ऑफ ऑनर से सीएम को नवाजा जाएगा। सचिवालय के बाहर की तस्वीरें आप देख रखे हैं, हालांकि डिप्टी सीएम का यहां पर काफिला पहुंच गया था, लेकिन काफिला सचिवालय के आगे से होकर गुजरता हुआ आगे बढ़ गया, काफिला रुका नहीं। अब माना यह भी जा रहा है कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम मंदिर में दर्शन करने गए हो या राज्यपाल से किसी तरह की मुलाकात करने गए हो, हालांकि ऐसा कोई शेड्यूल पहले नहीं बताया गया था, सीधा यही शेड्यूल एक सामने आया था कि सीएम और डिप्टी सीएम सचिवालय पहुंचेंगे। सचिवालय में पूरी तरह से तैयारियां हो चुकी है, गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा सीएम को, बस इंतजार है कि सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे, इंतजार की घड़ियां के समय यही दिया गया था कि 10 और 10:30 के आसपास पहुंच सकते हैं, फिलहाल पहुंचे नहीं गए, इंतजार की घड़ियां के फिलहाल इंतजार को रहा के कि सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचे, गार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा और गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर रिहर्सल भी की गई है। सचिवालय के बाहर की तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक ऐतिहासिक इमारत है सचिवालय और आज गवाह बनेगा एक और ऐतिहासिक क्षण का ये सचिवालय, अंग्रेजों के जमाने की इमारत, और सचिवालय की इस इमारत के बाहर हलचल बढ़ रही है, ये इमारत एक और ऐतिहासिक क्षण की गवाह आज बनने वाली है। 15वें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज सचिवालय पहुंचेंगे, बाकायदा उनकी नेम प्लेट लग चुकी है सचिवालय में, उनके कक्ष के बाहर नेम प्लेट तक लग चुकी है, गार्ड ऑफ ऑनर की तैयारी है, हलचल सचिवालय में बढ़ गई है, कर्मचारी संघ की तरफ से उनका स्वागत किया जाएगा बुके देकर। तो सीएम और डिप्टी सीएम पहुंचेंगे सचिवालय, उनका भव्य स्वागत होगा, स्वागत की तैयारियां पूरी कर ली गई है। जी प्रदीप, क्या कुछ जानकारी फिलहाल आपके पास पहुंची है, कब तक पहुंचेंगे सीएम और डिप्टी सीएम? आ
बिल्कुल देखिए, सीएम और डिप्टी सीएम का ही इंतजार अब हो रहा है। हालांकि डिप्टी सीएम पहले यहां पहुंच चुके थे, लेकिन फिर काफिला उनका आगे को मूव हो गया है और अब इंतजार किया जा रहा है सीएम के। और संभवतः ये भी हो सकता है कि दोनों एक साथ यहां पर पहुंचे, और लेकिन तैयारियां जो है पूरी हो चुकी है। हलचल हम सचिवालय के बाहर की आपको बार बार दिखा रहे हैं। अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं, डीजीपी संजय कुंडू यहां है, मुख्य सचिव यहां है, आरडी धीमान, अतिरिक्त मुख्य सचिव भरतखेड़ा यहां पर हैं, और केवल सिंह पठानिया विधायक भी यहां पर शाहपुर से हैं, ओंकार शर्मा प्रधान सचिव वो भी यहां पर पहुंच चुके हैं, जीएडी के अधिकारी, तमाम अधिकारी यहां पहुंच चुके हैं। गार्ड पूरी तरह से तैयार हैं गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए। सुबह हमने देखा 9:30 बजे से ही ये जो है पूरी तरह से तैयार थे, और अब जो है वो सचिवालय के जो कर्मचारी हैं वो सारे के सारे कर्मचारी अब मुख्य गेट पर आ चुके हैं। कुछ कर्मचारी सचिवालय के भीतर भी जो गलियारा है, कॉरिडोर है, उसमें बैठे हुए हैं, लेकिन जो कर्मचारी प्रतिनिधि हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं, क्योंकि जब भी मुख्यमंत्री आते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात कर्मचारियों से होती है, और इस सचिवालय से पूरा प्रदेश चलता है, तो ऐसे में कर्मचारियों पर सारा फोकस रहता है। कर्मचारी बेहतर काम करें, इस पर सबका फोकस जो है वो रहता है। सरकार भी यही कोशिश करती है कि उनके साथ अच्छा सामंजस्य बिठाया जाए, क्योंकि कोई भी फाइल मूव करनी है या कोई भी फैसले लेने हैं, उसे सही समय पर इम्प्लीमेंट करवाना है, तो वो राज्य सचिवालय के कर्मचारियों के जिम्मे होता है, और उनके साथ साथ जो अधिकारी हैं उनके जिम्मे रहता है। तो आज अधिकारी भी उनके साथ भी मुख्य सचिव मुलाकात कर सकते हैं, उनके साथ बैठक कर सकते हैं, उनके साथ चर्चा इंटरेक्शन जो है वो भी आज होने वाली है। उससे पहले क्योंकि जब सचिवालय आते हैं नए मुख्यमंत्री, तो लोग भी मिलने बहुत सारे आते हैं। हम देख रहे हैं कि लोग बड़ी संख्या में यहाँ पहुँचे हैं, कुछ लेकर बुके लेकर यहाँ पहुँचे हैं, तो वो भी मुख्यमंत्री का जो है वो यहाँ स्वागत करके बारी बारी करके, और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाषीष पांडा भी अब मुख्य गेट पर आ चुके हैं। तो तमाम जो अधिकारी हैं कर्मचारी हैं वो यहाँ पहुँच चुके हैं। अब कह सकते हैं कि अब कम ही समय बचा है, जब जी मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पहुँचने वाले हैं, तो सब बेसब्री से जो है वो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो इंतजार की घड़ियां हैं अभी प्रदीप, और कहा यह गया था कि 10:30 तक पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी तक कोई जानकारी ऐसी सामने नहीं आई है कि कब तक पहुंच पाएंगे सीएम और डिप्टी सीएम। प्रदीप,